एरर जो है आज हम अपना नेक्स्ट प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। ये प्रैक्टिकल भी हम एरियल फोटोग्राफ्स और स्टीरियोस्कोप की हेल्प से ही करेंगे। इसमें हमें पता है कि लास्ट टाइम हमने जो प्रैक्टिकल किया था उसमें हमने एलिवेटेड एरिया की एरिया का एनालिसिस किया था, आज हमें सिटी का एनालिसिस करना है। तो हमें पता है कि हमारे पास जो एरियल फोटोग्राफ्स होती है वो पेयर में होती है, और उन्हीं एरियल फोटोग्राफ्स में जो भी सिटी का एरिया, जो भी एरियाज दिए होते हैं, हमें उनकी एनालिसिस करनी होती है। और एनालिसिस हम स्टीरियोस्कोप की हेल्प से करते हैं। हमने बताया था स्टीरियोस्कोप भी कई टाइप के होते हैं, तो जिसमें हमें लास्ट प्रैक्टिकल में पॉकेट स्टीरियोस्कोप का यूज़ किया था, जो बहुत ही छोटा होता है और कैरी करने में इजी पड़ता है। आज हम जो स्टीरियोस्कोप की हेल्प लेंगे, जिसका यूज़ करेंगे, वो हमारा मिरर स्टीरियोस्कोप होगा, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी है। आइए अब देखते हैं अपना इंस्ट्रूमेंट। ये देखिए, हमने यहाँ पे 2 से 3 फोटोग्राफ्स ली हुई है। हम चाहे तो 1 फोटोग्राफ्स की एनालिसिस करें, चाहे 2 की करें, चाहे 3 की करें, जितनी चाहे हम एनालिसिस कर सकते हैं। वो हम पे डिपेंड करता है कि हमें कितनी फोटोग्राफ्स की एनालिसिस करनी है। अभी क्योंकि हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हम मैक्सिमम 1 या 2 फोटोग्राफ्स पे ही एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो ये हमने आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि जो हमारे पास फोटोग्राफ्स होती है वो पेयर में होती है। हम कैसे पता करते हैं कि कंटिन्यू है फोटोग्राफ्स या अल्टरनेट है? तो देखिए, हमारे पास सीरियल नंबर दिया होता है, ये 37 है, ये 38 है, यानी कि 37 के बाद तुरंत जस्ट 38 फोटोग्राफ्स ली गई, यानी कि ये सीरियल में ही है। अब हमें पता है कि ये जो फोटोग्राफ्स है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी होती है, सिटी भी है, नहर भी है, एग्रीकल्चर एरिया भी है, प्लेन एरिया भी है, कई सारी चीज़ें हैं, तो हमें उन्हीं की एनालिसिस करनी है। लेकिन आज जो हमारा प्रैक्टिकल है उसमें हमें पता है पर्टिकुलर कि हमें सिर्फ सिटी की ही एनालिसिस करनी है, और वो हमें देखना है कि किस कोऑर्डिनेट में हमारा सिटी आता है ना। अब ये तो फोटोग्राफ्स की बात हो गई, आपको पता है ये सारी यहाँ पे डिटेल भी दी होती है। लास्ट टाइम आपको बताया गया है स्केल और कहाँ का एरिया है, किस प्लेस का, डेट दी होती है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल दी होती है। अब हम अपना स्टीरियोस्कोप की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा स्टीरियोस्कोप कैसा होता है। ये रहा, ये हमारा मिरर स्टीरियोस्कोप होता है। लास्ट टाइम जो स्टीरियोस्कोप था वो बहुत ही छोटा सा था, लेकिन अभी ये हम देखें, ये हमारा मिरर स्टीरियोस्कोप है। इसमें कुछ खास नहीं होता, मतलब ये जो है बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन हाँ सिंपल सा होता है। इसमें यहाँ पे लेंसेज लगे हुए हैं, ठीक है। इन लेंस की हेल्प से हम फोटोग्राफ्स की एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे साइड में मिरर दिए हुए हैं, इन मिरर में हम अपनी फोटोग्राफ्स की और अच्छे से क्लियरिटी देख सकते हैं। और ये यहाँ पे साइड में स्क्रू दिए हुए हैं, इनकी हेल्प से हम अपने स्टीरियोस्कोप को ढीला या टाइट कर सकते हैं। हमें जिस तरह से इसको सेट करना है, जितनी डिस्टेंस में फोटोग्राफ्स हैं उस हिसाब से हम इसको सेट कर ले सकते हैं। ये साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है तो इसको हम इजली कैरी नहीं कर सकते। ये अब हम क्या करेंगे, हमने लास्ट टाइम फोटोग्राफ्स को ओवरलैप करवाया था, तो वो ओवरलैप हमने ऐसे ही नॉर्मल करवा लिए थे, क्योंकि हमारा जो स्टीरियोस्कोप था बहुत ही छोटे साइज का था और उसको रख के हम ओवरलैप नहीं करा सकते। लेकिन आज जो हम ओवरलैपिंग करेंगे वो फोटोग्राफ्स की लेंसेज की हेल्प से करेंगे। तो पहले तो सबसे पहले हम फोटोग्राफ्स में अपना कॉमन एरिया देख लेते हैं कि हमारी फोटोग्राफ्स में कौन सा एरिया कॉमन है। ये फोटोग्राफ्स पहले ली गई है तो जाहिर सी बात है ऐसे ही आ जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं तो हमें ये एरिया कुछ कॉमन दिख रहा है, ये यहाँ से आप देख सकते हो ध्यान से, ये वाला एरिया कॉमन दिख रहा है, ठीक है। अब इसी की हेल्प से हम इसको ओवरलैप कराएंगे, इसको हम थोड़ा सा और ढीला कर देंगे ताकि हमारी दोनों फोटोज आ जाए अच्छे से। स्पेस में हमारी दोनों फोटोग्राफ्स आ जाएंगे। अब हम इनको लेंसेज की हेल्प से इसको ओवरलैप कराएंगे। अब हम देख लेते हैं, तो हम अपना एक कॉमन पॉइंट जो है हमने देख लिया है कि ये कॉमन एरिया है, तो हम यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट ले लेते हैं। जैसे ये देखिए, ये ऐसे बना हुआ है, तो हम इसको ले लेंगे और लेंसेज की हेल्प से इसको ओवरलैप कराएंगे।
ऐसे तो ये देखिए हमने इसको ओवरलैप करवा लिया है, और साथ में हम मिरर पे देखेंगे तो इस समय जो मिरर पे हमारी इमेज दिख रही है, अगर आप ध्यान से देखें तो वो हमें कुछ हाइट पे दिखेगी 3D डायमेंशन में। मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर स्टैंड कर देती हूँ ताकि क्लियरिटी आए देखें। ये देखिए अगर हम मिरर पे हमने देखा है ध्यान से, हमें कुछ हाइट, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं दिखेगी लेकिन कुछ हाइट में ही ये फोटोग्राफ्स दिखेगी, 3D में हमें व्यू आएगा। अब हम लेंसेज की हेल्प से एनालिसिस करेंगे, तो सेम तरीके से हम जैसे लास्ट टाइम हमने बताया था कि इसको जो भी हमारा ओवरलैपिंग हुआ उसको हम 4 parts में डिवाइड कर लेंगे, 4 coordinates में, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जो ये हमने ओवरलैपिंग कर ली, हमने यहाँ पे मिरर में भी देख लिया कि हमें कैसा व्यू दिखता है। अब हम इसकी हेल्प से एनालिसिस करेंगे, तो जैसे लास्ट टाइम में 4 coordinates में हमने डिवाइड करके किया था वैसे ही करेंगे, और हम देखेंगे जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, जो भी 4 coordinates है, तो जो सिटी वाला एरिया है वो किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, और अगर आ रहा है तो कितना एरिया आ रहा है। तो जैसे अगर हम इसको 4 parts में एक इमेजिनरी लाइन की हेल्प से 4 parts में डिवाइड करते हैं, तो हम नॉर्मली भी अगर इसको विजुअलाइज करते हैं तो हमें दिख रहा है कि जो ये वाला पोर्शन है, ये कोऑर्डिनेट हमारा, अगर हम इसको फर्स्ट लेके चलें तो ये पूरा कोऑर्डिनेट, पूरा एरिया हमारा सिटी का है। यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो ये पूरी हमें सिटी दिख रही है। अब सिटी में और बहुत सारी चीज़ें हैं, रोड हैं, रास्ते हैं, लेकिन यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि सिटी है। अगर हम इस वाले कोऑर्डिनेट में बात करें तो अगर यहाँ से हम डिवाइड करें तो कुछ पोर्शन, बहुत ही थोड़ा सा पोर्शन हमारा सिटी का इसमें आ रहा है, और ये नीचे के जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं इनमें